आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर। ये पनीर है बिल्कुल मार्केट की तरह बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा, बहुत स्पंजी बनेगा ये पनीर। सो आइए इस पनीर की रेसिपी को ट्राई करते हैं। तो ये पनीर जमाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 लीटर दूध। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध यूज किया। तब हम इसको बॉयल करेंगे। यहाँ पे हम 1/4 कप फ्रेश क्रीम लेंगे, जो पनीर को अच्छा टेक्सचर देगा, जो सॉफ्ट बनेगा। जिसे पनीर हमारा जो दूध है वो बॉयल हो चुका है, तो इसके अंदर हम जो हमारा 1/4 कप क्रीम है उसको ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसको चलाएंगे। इसको हम लो फ्लेम पे रख के चलाएंगे क्योंकि ये बॉयल हो चुका है। देखिए तो यहाँ पे सब कुछ हो गया 2 से 3 मिनट। तब हम यहाँ पे 1/2 ग्लास रेनेट है, रेनेट डालेंगे इसके पे। तो रेनेट जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और इसको स्टर करेंगे। देखिए हमारा जो पनीर है वो अब बनना शुरू हो गया है, पानी अब छोड़ रहा है। इसको हम 1 मिनट तक गैस पे रखेंगे जिससे ये और अच्छे से छोड़ दे। देखिए हमारा पनीर रेडी हो चुका है। ये पनीर अलग हो चुका है दूध से और वाटर अलग हो चुका है, तो इसको अब हम मलमल के कपड़े में ड्रेन करेंगे। देखिए पनीर है यहाँ पे, अब हम इस ये जो हमारा छेना है इसको अब हम मलमल के कपड़े पर डालेंगे। कि जितना भी पनीर था हमने सब कुछ यहाँ पे निकाल लिया। अब हम इसको ड्रेन कर देंगे वाटर को। ये जो पनीर है इसको मैंने ले लिया, इसके अंदर में इस छेने को हम इसको फोल्ड करेंगे, अच्छे से टाइटली फोल्ड करेंगे इसको और इसको प्रेस करेंगे ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो बाहर ड्रेन आउट हो जाए। देखिए इस मेथड से इसको करना है, ऊपर से इसको पूरा फोल्ड कर लेना, नीचे से ऐसे रखना है और फिर इसको एक शेप देना है अच्छे से, राउंड शेप। इसको हमने शेप दे दिया, अब इसके ऊपर हम कुछ हैवी चीज़ रख देंगे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, फिर इसको आप टोपिया बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने इसको लिया हैवी चीज़ के लिए और इससे वाटर ड्रेन आउट हो रहा है इसमें। इसको हम 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहते तो आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथ इस्तेमाल करते टाइम आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। जब आप हाथ का यूज़ कर रहे होंगे तो आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा इस वाटर निकालने में। देखिए वाटर रिलीज हो रहा है इसमें से। 10-15 मिनट हो चुका और हमारा जो पनीर है वो सेट हो चुका है, तो इसको हम खोलेंगे। अब हम इस पनीर को आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। जब हम इसको फ्रिज में डालें तो मेक श्योर कि इसको हम ऊपर से कवर करते, नहीं तो फिर ये अजीब सा होने लगेगा। इसको मैंने यहाँ पे छोटे से प्लेट में लिया, अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसको दूसरे छोटे प्लेट से कवर कर रही हूँ, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। पनीर जो है वो ठंडा हो चुका है, अब हम इसको कट करेंगे पीस में। और मैंने नाइफ ली है, इसको मैं कट करूँगी। इट डिपेंड ऑन साइज, आप किस साइज का पनीर चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको काट सकते हैं। देखिए पनीर को मैंने फ्लिप में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखेंगे चारों बगल से यूनिफॉर्मली, अंदर से स्पंजी भी है, ये देख सकते हैं। बहुत अच्छा टेक्सचर है इसका, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है, यू कैन सी। सो गाइस प्लीज़ ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye.